फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आरकेआर सपोर्ट। मैंने आपको बताया था अपने पिछले इंट्रो वीडियो में कि मैं आप लोग के लिए इस वीक लेके आने वाला हूँ टेक्नोलॉजी से जुड़ा एपिसोड, जिसमें मैं आपको किसी भी कंप्यूटर के बेसिक नॉलेज या किसी भी एक टॉपिक के बारे में फुल्ली इंट्रोड्यूस कराऊंगा और उसके बाद उसका PDF भी आपको प्रोवाइड करूंगा। तो चलिए, आज का मेरा पहला टेक एपिसोड स्टार्ट होता है जो कि ईमेल से रिलेटेड है। मैं आपको इसमें ईमेल से जुड़ी कुछ बातें बताऊंगा और पहले बता दूं कि ये ईमेल का जो टॉपिक लंबा है, तो इसके लिए आपका ये दो पार्ट में होगा, एक टेक्नोलॉजी एपिसोड 1 और एपिसोड 2 में ये ट्यूटोरियल एंड होगा। इसमें मैं आपको बहुत सारे चीज़ को बताऊंगा, जैसे व्हाट इज़ ईमेल, इसके बारे में फुल्ली डिटेल, हिस्ट्री और इन्वेंटर, और उसके बाद स्ट्रक्चर ऑफ ईमेल एड्रेस, सेंडिंग एंड रिसीविंग ईमेल्स, स्टेप्स एंड रिक्वायरमेंट, हाउ ईमेल वर्क्स। तो आज के इस ट्यूटोरियल यानी कि फर्स्ट एपिसोड में मैं आपको बताने वाला हूँ दो टॉपिक, जो है कि व्हाट इज़ ईमेल एंड स्ट्रक्चर ऑफ ईमेल एड्रेस के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं। पहले मैं बता दूं कि ईमेल जो कि आजकल हम लोग लगभग सभी लोग यूज करते हैं, मोस्टली एंड्रॉयड फ़ोन जो रखे हुए हैं या जो इनके पास PC है, किसी न किसी तरीके से आप ईमेल का उपयोग जरूर करते हैं और ये आपके लाइफ में एक इम्पोर्टेंट रोल अदा कर रहा है अभी नेटवर्किंग में और कम्युनिकेशन के लिए। तो किस की फीचर हैं जो कि मैं पहले डिस्कस कर दे रहा हूँ, उसके बाद मैं इसके आपको फुल्ली ईमेल में एंट्री करूँगा। तो ये इन्वेंटेड बाय था रेन टॉमसन इन 1970s, ऐसे बहुत सारे बुक में इसके बारे में 1972 भी दिया गया है। और इसमें मेनली जो सिंबल यूज किया जाता है वो है एट द रेट का, और कंपोनेंट इसके बहुत सारे हैं जिसमें मेनली हेलो मिस्टर रॉबिन प्लीज पिक। चलिए मैं शुरू करते हैं आज का वीडियो। तो पहले ईमेल, व्हाट इज़ ईमेल। तो ईमेल का फुल फॉर्म होता है इलेक्ट्रॉनिक मेल, ठीक है, इसको हमें बोलते हैं इलेक्ट्रॉनिक मेल। ये क्या करता है, इन द शॉर्ट फॉर्म इसको मेल के रूप से भी जाना जाता है, यह आपको ट्रांसमिट करता है आपके मैसेज को ओवर किसी कम्युनिकेशन के थ्रू, लाइक वॉइस मैसेज हो गया, टेक्स्ट हो गया, इमेज हो गया, जीप फाइल हो गया, मेनी मोर फाइल को यह क्या करता है आपको डिजिटल कम्युनिकेशन के द्वारा एक जगह से दूसरे जगह पे सेंड करता है। और ये क्लाइंट सर्वर आर्किटेक्चर के रूप में ही काम करता है, ये रूट और स्टोर्ड मैसेज की तरह भी वर्क करता है आपको, ठीक है। इन अदर वर्ड्स, इलेक्ट्रॉनिक मेल कैन बी डिफाइन एज द प्रोसेस ऑफ एक्सचेंजिंग मैसेज इलेक्ट्रॉनिक वी ए कम्युनिकेशन नेटवर्क। ये आपका इंग्लिश में इसका मैंने एक लाइन में लिख के बताया है कि क्या है इलेक्ट्रॉनिक मेल और क्या करता है, मेल को कैसे आप सेंड करते हैं, कैसे ये कम्युनिकेट करता है। तो पहले आप ये जानिए कि मेल जो है आपका ट्रेडिशनल वे है, जिसको आप पोस्ट ऑफिस में जैसे आप लेटर को पोस्ट करते थे और वो आपको सेंड होता था, उसी तरीका का ये एक प्रोसीजर है जो कि आपको ट्रेडिशनल वे में था जो पहले, उसको ही क्या किया गया है, ये इलेक्ट्रॉनिक वे में किया गया है, जिसके कारण आपको लेस टाइम, लेस मनी और आसानी से आप अपने चीज़ों को, अपने टेक्स्ट मैसेज, अपने लेटर को आसानी से एक जगह से दूसरे जगह पर विद इन 1 मिनट सेंड कर सकते हैं और किसी बिना लॉस्ट होने के। इसमें सिक्योरिटी भी बहुत अच्छा है। तो प्राइमरी रिक्वायरमेंट क्या होता है किसी भी मेल को सेंड करने के लिए, तो मैसेज को अगर आपको सेंड करना है तो आपके पास इंटरनेट होना चाहिए, आपके पास एक ID होना चाहिए जो कि ईमेल ID किसी भी प्रोवाइडर का हो सकता है, जैसे कि आपके पास बहुत सारे सब्सक्राइबर मौजूद हैं ईमेल ID के, जैसे होंगे अभी वाइडली यूज हो रहा है गूगल, जिसको आप जीमेल के नाम से जानते हैं, याहू, रेडिफ, ये सब जो है आपका प्रोवाइडर है जो कि मेल प्रोवाइड करता है। तो इसका आपको यूज करना होगा और हर एक यूज़र का अपना एक यूनिक ईमेल आईडी होता है जो कि किसी दूसरे से टाई अप नहीं करता है। अगर आपके पास ये सभी चीज़ें हैं तो आप किसी को मेल सेंड कर सकते हैं। ये है बेसिक रिक्वायरमेंट जो कि मेल सेंड करने के लिए होता है। और ये कनेक्शन आप पता चल गया होगा कि कनेक्शन कैसे करता है, इंटरनेट के थ्रू ही। तो इसका हिस्ट्री के बारे में जानते हैं कि ईमेल का हिस्ट्री क्या कहता है आपको। तो ईमेल का है जो पहले, तो ये कंट्रोवर्सियल है कि ईमेल को किसने बनाया, क्योंकि इसके दो दावेदार आपके पास थे, आए थे, जिन्होंने बोला कि मैंने ईमेल को इन्वेंट किया है। पहले थे जो कि हैं तो अमेरिकन साइंटिस्ट, इंडियन बॉर्न यानी कि इंडिया में जन्म हुआ है उनका और वो अमेरिकन साइंटिस्ट हैं, जिन्होंने बोला कि 14 साल की उम्र में उन्होंने न्यू जर्सी हाई स्कूल में उनको एक प्रोजेक्ट मिला था जिसका नाम था ईमेल, उस पर उन्होंने वर्क किया था, इसलिए वो दावा करते हैं कि मैंने ईमेल को इन्वेंट किया। उन्होंने 1970 में इसका दावा किया था, उनका नाम था VS शिवा अयोध्याय। इस पर बहुत सारी बहस चली, लेकिन लास्टली जो डिसीजन था वो लिया गया इंटरनेट हॉल ऑफ फेम के द्वारा, किसने ईमेल को डिज़ाइन किया और किसने ईमेल को बनाया,
तो उन्होंने 1972 में रे टॉमलिंसन को इसके बारे में इसका इन्वेंटर माना, क्योंकि रे टॉमलिंसन ने वी एस शिवा के पास ओनली प्रूफ था कि उन्होंने ईमेल के प्रोजेक्ट पे थियोरिकल वर्क किया है। उनके पास कोई प्रैक्टिकली या कोई भी सेंड करने के थ्रू कोई भी चीज़ नहीं था जिससे वो प्रूफ कर सके कि उन्होंने ही मेल को डिज़ाइन किया है। लेकिन रे टॉमलिंसन ने पहला ईमेल को सेंड किया था, इसलिए इंटरनेट हॉल ऑफ फेम ने इनको इन्वेंटर माना है ईमेल का। और जो ये इन्वेंटर थे, जो ये वर्क कर रहे थे, रे टॉमलिंसन, वोल्ट वेरनिक एंड न्यूमैन एज एन आर्पानेट, ये आर्पानेट में काम करते थे, कॉन्ट्रैक्टर के रूप में थे, वहाँ के डेवलपर के रूप में। ये थे, एयरपानेट का फुल फॉर्म होता है एडवांस रिसर्च प्रोजेक्ट एजेंसी नेटवर्क्स। और रे टॉमलिंसन ने ही एट द रेट सिंबल को सेंडिंग मैसेज को वन प्लेस से दूसरे मैसेज प्लेस तक भेजने के लिए डिनोट किया था एट द रेट सिंबल को। ठीक है, बहुत सारे चीज़ें हैं इसमें हिस्ट्री में, और आप भी अगर डिटेल में जानना चाहते हैं तो और बहुत सारे वेबसाइट के पर जाकर इसके बारे में जान सकते हैं। लेकिन हिस्ट्री के बारे में, इन द मॉडर्न ईरा, इन द मॉडर्न ईरा में बहुत सारे चेंजेज हुए हैं ईमेल में, जिसमें सबसे पहला एक चेंज हुआ था जो था ऑफलाइन रीडर का, जो कि आपको माइक्रोसॉफ्ट पैकेज में माइक्रोसॉफ्ट आउटलुक ने लेकर आया था। इससे होता यह है कि ईमेल आप जानते हैं कि स्टोर और फॉरवर्ड टेक्निक पर काम करता है, तो इसमें आउटलुक क्या करता है कि आपके ईमेल पे आए हुए मैसेज को वो ऑफलाइन मोड में, जैसे ही आपका नेट कनेक्ट होता है, उसको ऑफलाइन मोड में डाउनलोड कर लेता है और आपके पास रख लेता है कि आप कभी भी उस मैसेज को रीड कर सकते हैं। तो ये एक फीचर आया है मॉडर्न टाइम में पर्सनल कंप्यूटर के लिए, जो कि बहुत ही फ़ायदेमंद है, जिसको हम ऑफलाइन रीडर के नाम से जानते हैं। तो चलिए, आज का दूसरा टॉपिक है स्ट्रक्चर ऑफ ईमेल एड्रेस। तो स्ट्रक्चर ऑफ ईमेल एड्रेस के बारे में पढ़ लें, तो किसी भी कम्युनिकेशन को करने के लिए मैंने पहले बताया कि आपके पास एक वैलिड ईमेल आईडी होना चाहिए, जो कि किसी भी प्रोवाइडर का हो सकता है। उसके लिए आपका, जो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि एग्जांपल पे मैंने बताया है कि कैसा उसका सिंटेक्स बोल सकते हैं या उसका स्ट्रक्चर बोल सकते हैं, कि पहले आपका यूज़र नेम, आपका यूज़र नेम कुछ भी हो सकता है, जैसे मेरा आर के आर सपोर्ट है, तो आर के आर सपोर्ट एट द रेट याहू डॉट कॉम या जीमेल डॉट कॉम या रेडिफ डॉट कॉम, ऐसा करके कुछ भी आपका ये आईडी होगा जो कि आपका यूनिक होगा, और ये यूज़र नेम के बाद एट द रेट से सेपरेटेड होगा। ये डोनेट करता है कि आप सेंड मैसेज करते हैं और रिसीव मैसेज करते हैं इसके थ्रू। तो डिवाइड किया जाता है ईमेल को दो दो पार्ट में, पहला हो जाता है लॉगिन आइडेंटिटी एंड आइडेंटिटी फॉर द ईमेल सर्वर, जो कि आपका यूज़र नेम एट द रेट के फर्स्ट पार्ट में जो होता है वो आपका आइडेंटिटी है, और एट द रेट के बाद में जो आपका होता है वो आइडेंटिटी ऑफ द ईमेल सर्वर होता है। ठीक है, तो अब आगे चलते हैं। जैसे ही आप ये सब आपके पास होगा, तो ऑल्सो कॉल्ड, हाँ, अकाउंट नाम, प्रोवाइडर नेम को और नाम से जाना जाता है, होस्ट नेम और ऑल्सो कॉल्ड अ डोमेन नेम, ये हो सकता है मे बी आपका कोई का कंपनी का नेम हो, किसी का खुद का नेम हो या ऑर्गेनाइजेशन का नाम हो। अगर हर एक इट द एंड ऑफ डोमेन नेम, यानी कि डोमेन नेम के एंड के बाद हमेशा जो होता है डॉट के बाद फॉलोड होता है या तो डॉट कॉम या तो डॉट नेट, या बहुत सारे आपको साइट अगर बनाते हैं, अगर वेबसाइट के रूप में अगर इसका इस्तेमाल करते हैं जीमेल को, तो डॉट इन भी यूज किया जा सकता है। ठीक है, मे बी आपका कंट्री का नेम भी दे सकते हैं लास्ट में आप डॉट के बाद, तो ये बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशन इसका यूज करते हैं कि वो किस बेसिस पे बनाया गया है, किस किस देश के लिए है, तो वो अपना ईमेल के लास्ट में कंट्री का नाम भी देते हैं, जैसे डॉट ईएन हो गया, डॉट जेपी करके, यानी कि जापान हो गया, ऐसा भी दे सकते हैं। हाँ, अकाउंट नोट करने वाली बात है कि मेनली हम लोग जानते हैं कि ईमेल जो होता है वो स्मॉल लेटर में होता है, लेकिन ये ज़रूरी नहीं है, सम केसेस में ये अपर केस में भी बनाया जा सकता है, लेकिन ईमेल में एक चीज़ हमेशा होगा कि कभी भी उसमें स्पेस नहीं होगा, यानी कि यूज़र नेम के बाद आप स्पेस डाल के फिर एट द रेट डालते हैं तो वो वर्क नहीं करेगा, आपको यूज़र नेम एट द रेट सभी को विदाउट स्पेस ही लिखना होता है उसके स्ट्रक्चर को। तो चलिए, आज के ट्यूटोरियल में बस इतना ही, अगले ट्यूटोरियल में मैं आपको बताऊंगा कि कैसे आप पढ़ेंगे, ये सेंडिंग एंड रिसीविंग ईमेल प्रोसेस टेक्निक के बारे में मैं आपको बताऊंगा, और उससे जुड़े कंपोनेंट्स और उसके कुछ हाउ ईमेल बॉक्स वगैरह, ये सब जो है आपका सभी मैं कंपोनेंट्स वगैरह भी आपको इसमें डिस्कस करूंगा। तो वेट करिए अगले वीडियो के लिए, आप मुझे कमेंट में ज़रूर बताएं कि आपको ये वीडियो कैसा लगा, और आप इसमें अगर कुछ और हेल्प चाहते हैं या कुछ सुधार चाहते हैं तो आप मुझे ज़रूर कमेंट में बताएं, मैं कोशिश करूंगा कि मैं उसको सुधार सकूं।
और आपको कुछ अगर नया चीज़ जानना है, अगर उससे रिलेटेड आपको कुछ ऐसा टॉपिक बनाना है या ऐसा PDF अगर आपको चाहिए तो आप मुझे बताएं, मैं कोशिश करूँगा उस पर भी टॉपिक पे वीडियो बनाने का और उसका PDF बनाकर आपको सेंड करने के लिए। और एक और बात, इस वीडियो का PDF मैं आपको नेक्स्ट ट्यूटोरियल में दूंगा, क्योंकि दोनों ट्यूटोरियल एक दूसरे से कनेक्टेड है। तो जब फुल्ली मैं इस ट्यूटोरियल का वीडियो कम्प्लीट कर लूँगा, फर्स्ट और सेकेंड पार्ट, तब मैं जाकर आपको इस वीडियो का PDF आपको लिंक दे दूंगा नेक्स्ट वीडियो में। तो तब तक के लिए देखते रहें RKR सपोर्ट। थैंक्स फ्रेंड, बाय बाय, हैव ए नाइस डे।